अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका स्वागत है ओवे जायद के मस्ती भरे व्लॉग में। सो गाइस, आज है ईद मिलादुन नबी, जिसके लिए मैं और आयत नहा धो के हो गए हैं फ्रेश। और आयत ने देखो कितना अच्छा सा ड्रेस पहना है, माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा। मेरी बेटी देखो कितनी क्यूट लग रही है। और अभी मैं जा रही हूँ खीर पूरी बनाने के लिए, जिसके लिए मैं भी नहा के फ़्रेश हो गई हूँ। मैं खीर पूरी की तैयारी करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी खीर पूरी रेडी होती है, मैं आपको साथ ही साथ तैयारी भी दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया है। मैं चावल की खीर बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने चावल धो के भिगा लिया है। इसको चिरौंजी बोलते हैं आई थिंक। और ये है केसर। अब मैं जा रही हूँ चावल वॉश करके पकाने के लिए। मैं साथ ही साथ आपको अपना थोड़ा सा छोटा सा डेकोरेशन दिखाना चाहूँगी। मैंने घर को भी साफ़ कर लिया है। देखो आयत किस तरह बैठ के टीवी का मज़ा ले रही है, क्योंकि इनको तो कुछ काम है नहीं। फेवरेट कार्टून है इसका डियाना। और मैंने यहाँ पे ये कुछ मेरे पास छोटा सा डेकोरेशन रखा हुआ था, मैंने उसको यहाँ लगा दिया है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पर भी कोई बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलो आयत, आपको भूख लगी है? चलो मैं आयत को, जब तक मेरी खीर रेडी होती है, मैं उस बीच आयत को थोड़ा सोच रही हूँ एप्पल खिला दूँ, क्योंकि वो बनने के लिए टाइम लगेगा, तो मेरी बच्ची भूखी ना रह जाए। ओके ओके, एप्पल में आपको नमक डाल के दूँ? ठीक है, वाइट। ओके एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे आयत घर में है, मैं घर में हूँ, तो ओवेज कहाँ है? ओवेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये है ओवेज, जो नीचे जाके फुटबॉल खेल रहा है। आज उसकी छुट्टी है, तो वो पूरा मज़ा ले रहा है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ फुटबॉल का। वो नीचे खेलने में बहुत बिजी है, मस्ती तो बहुत करता है। यहाँ पे मस्ती की तो उसकी लिमिट क्रॉस है। यहाँ पे मेरा चावल बॉईल हो रहा है, मैंने चावल को भी पकने रख दिया है। चावल के पकने तक मैंने सोचा क्यों ना आयत को एप्पल कट करके दे देती हूँ। आयत का एप्पल मैंने कट कर लिया है, अब आयत को एप्पल देने जा रही हूँ। उसके बाद मैं पूरी के लिए आटा गूंदूंगी। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट वॉश भी कर लिए हैं, अब मैं इसको कट करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदे भी होते हैं ना, ये जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो इसमें बहुत धूल लगी रहती है। इसको मैंने वॉश कर ली हूँ। चलो जाते हैं आयत को देते हैं। जैसे कि आयत की डिमांड थी कि आयत को इसमें सॉल्ट डाल के चाहिए। आयत, मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। ओके, टेस्ट करोगी तो पता चलेगा ना, एक बाइट टेस्ट करो और बताओ सॉल्ट है कि नहीं। वेरी गुड, चलो बाय। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज ईद मिलादुन नबी है, और ईद मिलादुन नबी के दिन हमारे घर पे खीर पूरी की फातिहा होती है, और हम लोग इस त्यौहार को बहुत 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 दिल से खुशी से मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरी खीर रेडी हो गई है और मैं पूरी की भी तैयारी कर दी हूँ। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी खीर रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैंने पूरी के लिए ऑयल भी रख दिया है, मैंने आटा गूंद लिया था, और यहाँ पे मैंने कुछ पूरी फ्राई बेलना भी शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह मेरी जैसी खीर पूरी रेडी होती है, मैं इस पर फातिहा दूँगी, और फाइनली मेरी फातिहा कम्प्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे मैंने खीर पूरी सब रेडी कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ फातिहा देने के लिए। सो एवरीवन, मैंने फातिहा दे दिया है मेरी खीर पूरी पे, और आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे और सबको खूब खूब बरकत दे। प्यारे नबी के सदक़े में हमारी हर जायज़ मुराद कबूल हो, हर एक की मुश्किलें आसान हो। हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह हमारी सबकी तमाम छोटी बड़ी परेशानी दूर हो जाए। मेरी खीर पूरी पे मैंने फातिहा दे दिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह मैंने घर में छोटा सा डेकोरेशन किया, आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह लाइटिंग्स भी हम लोगों ने लगाई है, जो प्रॉपर दिख नहीं रही है आपको, अब मैं दिखाती हूँ आपको लाइट्स। सो एवरीवन, फातिहा देने के बाद ओवेज के पापा आए, ओवेज नीचे से आया, आपको दिखाती हूँ। आयत भी खेल रही थी।
तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पट्टी लगी पट्टी है। लगी है, मैं तो रोई थी। आयत बहुत रो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ है, मेरे नबी का दुआ है, क्योंकि मैंने बस फातिहा दी और थोड़ा मेरी तबीयत, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, मैं गई, अल्लाह का शुक्र है मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। बस मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, अब मैं करती हूँ यहीं पे अपना व्लॉग एंड, तो मेरे प्लीज लिए, मेरे बच्चों सपोर्ट, के लिए, हम लाइक सब एंड के लिए, सब्सक्राइब, बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, यहीं पे करते हैं हम अपना व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज सपोर्ट।